ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਧਮਕੀ। ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ माल ढुआई मामले दे विच अपने करीबियां नूं टेंडर दबाउण दे इल्जाम लगे ने मनप्रीत बादल ते। ते सब तो पहला ए इस बाबत शिकायत साबका विधायक सरूप चंद सिंगला ने दिती सी, जिस तो बाद हुण सरूप चंद सिंगला दा बयान सामने आया है कि शिकायत दर्ज करवाउण तो बाद उन्हां नूं लगातार धमकियां मिल रहियां ने ते मनप्रीत बादल दे करीबियां दे वल्लों ए धमकियां दित्तियां जा रहियां ने। तो दस दईए माल ढुआई दे विच घोटाला होया है, जिस तो बाद विजिलेंस दे घेरे दे विच साबका खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने मनप्रीत बादल ते अपने करीबियां नू ढोआ ढुआई लई टेंडर अपने नजदीकियां नू देण दा इल्जाम लग्गिया। इहदे विचों बहुत कुछ निकलण वाला है। मैं कह सकदा कि जदों इह मामले दीआं परतां खुलणगीआं हैरानीजनक खुलासे होणगे। और जे महकमा जिहड़ा साडा हैगा विजिलेंस का मैनू बुलाऊगा, मैं तत्थां दे समेत पेश होवांगा ना ते राजनीति नू वरत के डाकुआं दी तरह पैसा इकट्ठा कीता है, उहनां लोकां दा पर्दाफाश होना चाहीदा है। तसरूप चंद सिंगला दा बयान सामने आया। साबका विधायक ने इल्जाम लगाए ने कि होर बहुत कुछ इस पूरे मामले दे विच सामने आएगा, पर उन्होंने मनप्रीत बादल दी शिकायत दर्ज होने तो बाद लगातार धमकियां मिलने दी शिकायत कीती है। उन्होंने कहा कि जदों तो मनप्रीत बादल दे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है उन्होंने लगातार धमकियां मिल रही ने। वधेरे जानकारी देंगे बठिंडा तो साडे सहयोगी कुलबीर बेरा। बेरा साहब, सरूपचंद सिंगला ने धमकियां देने की गल आखी है कि जदों तो शिकायत दर्ज की गई है मनप्रीत बादल के खिलाफ लगातार धमकियां मिल रही ने। बिल्कुल, उन्होंने अज सवेरे मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा कि मैं जिस दिन तो यह शिकायत जी अपने दाखिल कराई है उस तो बाद मैंने कुछ लोग ने जो धमकियां दे रहे हैं दसन से उन्होंने यह भी कहा कि वह साबका वित्त मंत्री साहब के बंदे ने जोड़े मैं धमकियां दे रहे हैं पिछे हटाने ले कह रहे हैं, पर मैं लोगों का सहयोग मिल रहा है, मैं मेरे शुभ चिंतकों का सहयोग मिल रहा है, मैं पिछे नहीं हटागा, जो भी मैनू मेरे को सबूत है मैं वो लैके जरूर विजिलेंस के जोड़ा सहयोग करा उन्होंने जोड़े सबूत देवगा जिन्हें भी मेरे को है, मैं होर भी बहुत सारिया चीजा उभारा और आने वाले समय के मैं इसके उस मुद्दे उपर भी जी है एक होर मीडिया के खुलासे करा यह भी उन्होंने अज जिक्र किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमकियां मिलन दी शिकायत की उन्होंने अगे पुलिस को दर्ज करवाई है, पुलिस वालों की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, फिलहाल उन्होंने दसिया कि मैं धमकियां मिल रही हैं, मैं पिछे हटाने लिए मतलब कहा जा रहा है, लेकिन मैं पिछे नहीं हटागा, इसके उत्ते मैं जरा जल्द खुलासे करांगा, उस तो बाद कोई जी अगली कार्रवाई या रणनीति है जी दसांगा। शुक्रिया। तो साबका विधायक सरूप चंद सिंगला नूं धमकियां मिल रही ने, उन्हां दा कहना है कि मनप्रीत बादल दी जुत तो शिकायत दर्ज करवाई गई है तो कुछ लोगों वालों उन्हां नूं लगातार धमकियां मिल रही ने।